की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भक्त चरणदास भी रहे मौजूद। सुल्तानपुर में मझुई नदी पर बना शाही पुल टूटा। दोस्तपुर से अंबेडकर नगर का संपर्क टूटा। रक्षा कार्यों के तहत पुलिस ने की बारीगति। मेरठ में लगातार हो रही बारिश, गंगा नदी का रौद्र रूप दिखा। बांध टूटने से गांव में बाढ़ का पानी भरा। किसानों की फसलें हुई प्रभावित। भागलपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आंगनबाड़ी ऐप से रिलेटेड होगा वर्क। सारी एक्टिविटी होगी ऑनलाइन। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना में। फ्यूल और गैस के बढ़ते दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जाप कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च निकाला है। तो रस्सी से बांधकर वाहनों को खिंचवाया और इंजीनियरिंग मोड़ से एनआईटी गोलंबर तक इस मार्च को निकाला गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। तो पटना में फ्यूल और गैस के बढ़ते दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाप कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। अनिल, पटना में फ्यूल और गैस के बढ़ते दाम को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला है। अनिल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। न्याय देखा जाए तो कहीं ना कहीं पटना में एक बार फिर से जाप कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला है। इस बार जो उनका विरोध था वो केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध था। बढ़ते पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने अपना सिक्का बुलंद करते हुए पटना के एनआईटी मोड़ से लेकर इंजीनियर कॉलेज के गोलंबर तक, एनआईटी गोलंबर तक ये मार्च निकाला है। हालांकि इस मार्च के दौरान इन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि जो वृद्धियां लगातार होती जा रही है पेट्रोल डीजल और रसोई गैस में, इससे आम जनजीवन पर कितना असर पड़ रहा है ये सोचने की बात है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और जल्द से जल्द इन्होंने मांग किया, ज्यादातर कर्ताओं ने ये मांग किया सरकार से कि बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में जल्द से जल्द कीमतों को कम करें ताकि आम जनजीवन जो है जिससे इससे प्रभावित ना हो। कितने संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं अनिल? तो ये इस पूरे मार्च के दौरान में जो ये मार्च निकाला गया है उसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें हम तो जात के युवा कार्यकर्ता थे। लगभग 50 से 60 की संख्या में यहाँ पर युवा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और इन्होंने भैंसों के सहारे वाहनों को घींच कर अपना विरोध जताया है, जिसमें कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस खास मुद्दा थे इनके और उसी को लेकर ये विरोध जो है वो देखने को मिला है। जी न्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पटना में फ्यूल और गैस के बढ़ते दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और जाप कार्यकर्ताओं ने इस मार्च को निकाला है और इस मार्च के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ के केएमसी अस्पताल को बंद कराने की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान टिकैत ने जनता को संबोधित भी किया। मौके पर टिकैत ने केएमसी अस्पताल को बंद कराने की मांग के साथ साथ अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की। मौके पर प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। यहाँ पर एक तो केएमसी हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें भी करीब 350 के लोग मरे। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि उसकी जांच करे। सारे लोग रात को मरे, कैसे मर गए और चार और पांच और छह दिन के अंदर अंदर मरे, तो क्या लूटा तो दिन कि जिसपे 5-6-8-10 लाख रुपए थे वे ले लिए आदमी का, आदमी मार दिया। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, पूरी जांच इसके खिलाफ हो, ठीक है। ये सारा काम होना चाहिए। बहुत लोग तो रात को ठीक ठाक भर्ती करे उसको वही मरे पाए, इसकी जांच हो जाए, नहीं तो वहां पर प्रदर्शन होगा। तो
वहीं बिहार में लोजपा में चाचा भतीजे की सियासी जंग भले ही थमती नहीं दिख रही हो, मगर इस लड़ाई में चिराग पासवान को दलित समाज का खुलेआम समर्थन मिल रहा है। खासकर मोकामा ब्लॉक के दलित समाज चिराग के पक्ष में गोलबंद हो गए हैं। इस ब्लॉक के दायित्व दलित बहुल मोर गांव में पशुपति पारस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दलित समाज के लोगों का मानना है कि दिवंगत रामविलास पासवान ने पारिवारिक सदस्यों को सियासी पहचान दिलाई, आज उनके चिराग के साथ छिड़ी सियासी जंग में स्वार्थ की बू आ रही है। ऐसे में चिराग पासवान को समर्थन देना चाहिए। सभी जाति धर्म समुदाय के लोग चिराग के पक्ष में एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। ये पीके पारस और चिराग के बीच में जो दूरियां बन गई है, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मारामारी हो रही है, यह पीके पारस के संबंध में लोगों का विचार है कि पीके पारस को किसी ने कोई जानता नहीं है। सारा जनता देश का, स्टेट का सारा चिराग के साथ है। यही मेरा उद्देश्य है कि चिराग अपने को कमजोर नहीं महसूस करें। आने वाला दिन चिराग के साथ पूरा भारत, पूरा बिहार एक साथ एक हुजूम लगाएगा, इसलिए हम तमाम जनता उनके साथ है, चिराग के साथ। वहीं सुल्तानपुर में जिले में लगातार हो रही बारिश आम जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। इलाके में बारिश का असर दोस्तपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां मझुई नदी पर बना शाही पुल भूस्खलन से टूट गया। दोस्तपुर से अंबेडकर नगर के बीच संपर्क का एकमात्र साधन टूटने से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो चुका है। पुल टूटने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा के तहत बैरिकेडिंग लगा दी है। जब से आया है गोरखपुर में, तब से पुल की न कोई मरम्मत हुई है न एक तो बार मतलब पुल बनाया गया है। एक पुराना पुल है, 200-250 साल पुराना पुल है। दादा बाबा जानते होंगे भाई कब का बना है, लेकिन हमारी जानकारी में आज 30 साल में इसकी कोई मरम्मत वम्मत नहीं हुई अभी तक। मैं इस पर एक तो लेयर इसका भी पड़ा है, एक भी बार इसके ऊपर लेयर भी नहीं पड़ा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, मझुई नदी पर बना शाही पुल टूट गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मझुई, आज मैं बताना चाहता हूं कि ये औरंगजेब के जमाने का पुल बना हुआ है और ये बॉर्डर पड़ता है अंबेडकर नगर सुल्तानपुर, और विभागीय पीडब्ल्यूडी की कमी के कारण ये एक दूसरे के हिस्से में आता है और सुल्तानपुर वाले हिस्से में आता है, इसीलिए इसकी अभी तक कोई भी शुद्ध नहीं लिया। निर्माण कभी भी इस 4 साल में कोई भी साल में एक दूसरे से निर्माण का टालने के बाद आज ये दस्तीकरण हो गया, गिर गया पानी भरी में। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं भागलपुर में सीएससी के द्वारा मक्षदा बालिका इंटर स्कूल भागलपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऑनलाइन कार्य करने को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आंगनबाड़ी ऐप से जुड़ा हुआ काम है। इसमें सारी एक्टिविटी जैसे पोषण का वितरण, भ्रमण और गर्भधारण का रिकॉर्ड ऑनलाइन भेजने जैसे कार्य को सभी शिक्षिकाओं को सिखाया गया। वो लोग जो काम करती हैं आंगनबाड़ी, एक ऐप आता है पोषण ट्रैकर, उसी के उसी से रिलेटेड उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे ये लोग काम करती हैं। इसमें प्रशिक्षण जैसे आंगनबाड़ी जितना भी एक्टिविटी होता है केंद्र पे, उस केंद्र की जितना भी ऑनलाइन सबको भेजना पड़ता है सेविकाओं लोग को, तभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है इन लोगों का। फिर ये लोग घर जाकर के जो पोषण का वितरण करती है, राशन वितरण करती है, गृह भ्रमण करती है, गर्भवती धात्री का जो भी
रिकॉर्ड इन लोगों के पास रहता है, जाके पता करती है उन सब चीज़ों को, उसमें भरती है इस ऐप पे। ट्रेनर में कार्य एक सारिफ जी हैं। और ये सदर परियोजना भागलपुर का सदर परियोजना की सेविकाओं का ट्रेनिंग हो रहा है। वहीं पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा बुलाई गई। इस प्रार्थना सभा में कोरोना से जंग हार चुके लोगों के आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी भक्त चरण दास भी मौजूद रहे। सभी उपस्थित लोगों ने मौन रखा। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण मेरठ में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिले में मौजूद बांध टूटने से गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इस बांध के टूटने के कारण बिजनौर बराज में पानी की संख्या बढ़ना बताया जा रहा है। बाढ़ का पानी घुसने से खेतों में तैयार फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी हैं। जिला प्रशासन की ओर से हालातों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी के बालाजी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। और भागलपुर के नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, जिलाधिकारी भागलपुर सब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी नितिशा गुड़िया ने सबौर प्रखंड के फरका पंचायत के इंग्लिश गांव में गंगा नदी के तट पर कटाव नियंत्रण कार्य का निरीक्षण किया। कटाव नियंत्रण कार्य देखकर विधायक संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने जायजा लेने के दौरान पाया कि कटाव नियंत्रण कार्य जियो बैग की जगह सैंड बैग से कटाव रोकने का कार्य चल रहा है, जो कटाव रोकने में पूरी तरह से असक्षम है। इस संबंध में उन्होंने मौजूद स्थल पर जिलाधिकारी से बातचीत भी की। जिलाधिकारी भागलपुर सब्रत कुमार सेन ने कटाव रोकने की दिशा में हर संभव कार्य किए जाने का आश्वासन भी दिया। वहीं समस्तीपुर में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पहले ही जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। बीती रात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की समस्या हो गई है। घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके ना तो कोई अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे रहे हैं, जिसे लेकर समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत 12 नंबर वार्ड में लोगों ने सड़क जाम कर स्थानीय प्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जल का काम स्टार्ट हुआ, रोड तोड़ा गया, यानी पैप डाला गया, पूरा कंप्लीट हो गया काम। रोड को उसी तरह छोड़ दिया गया, फिर मरम्मत नहीं कराया गया। वो बोला मरम्मत करा दे, लेकिन कराया नहीं गया। इस कारण से पानी पूरा जो है टोला में भर जाता है, आदमी बाहर निकल नहीं पाता है। दरवाजा पे, दूरा पे, अंगना में, घर में, सब में पानी लगा रहा का काम चालू हुआ था। रोड टूट गया, उसके कारण घर में पानी लगा हुआ। मुखिया जी आने के लिए तैयार नहीं है, वार्ड मेंबर आना आते हैं कोई उपाय उपाय करने के लिए, पानी का घर गिर जाएगा। उस समय हम लोग बाल बच्चा को लेकर क्या क्या परेशानी में रहेंगे। मतलब नल जल का काम हुआ तो रोड टूटा था, अभी तक रोड बना नहीं, मरम्मत बना नहीं है, मरम्मत नहीं किया गया है। मरम्मत नहीं किया गया, क्या बोल रहा है वार्ड सदस्य या मुखिया? होगा जब नाला का उपाय कोई फंड आएगा उसके बाद बनेगा, जब तक किसी तरह से रहिए। अल्लाह करो, अल्लाह करो। और सुल्तानपुर में बीते चुनाव के रंजिश को लेकर पूर्व और वर्तमान मुखिया के समर्थकों के बीच हुए झड़प में जमकर लाठियां चली। घटना जिले के देहात कोतवाली के नकराही गांव का है, जहां मारपीट में दो पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए।
घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की और साथ ही मामले को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। तीन चोटी लाइन गंभीर है, एक स्थिति में ठीक है। कहाँ से आए हैं? ये थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ग्राम नकराही में कल दो पक्षों में पानी निकास को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष पूर्व प्रधान दूसरा पक्ष वर्तमान प्रधान है। दोनों पक्षों में जो मजरूह थे उनको जो इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है, उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो भी गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। वहीं भागलपुर जिले वासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर अब भागलपुर शहरी क्षेत्र स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में रात 9 बजे तक लोगों को ऑन द स्पॉट टीका दिया जाएगा। इसकी जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने दी। दिन से और 9 बजे तक रात वाले करने वाले हैं, वो 12 घंटा की शिफ्ट रहेगी, 9 बजे से लेके 9 बजे तक रात तक दो शिफ्ट में कराएंगे और 2 AM रहेगी सुबह, 2 AM शाम को रहेगी, और 14 नहीं वो 12 घंटा लगातार चलता रहेगा। और इसके लिए हम लोग साइट सिलेक्शन ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज किए हुए हैं बगड़ी में, जो हम लोग के लिए साइट जो खोज रहे थे उतना अच्छा साइट मिला नहीं, अंत हम लोग उसी से संतोष करना पड़ा और उसको एक बिहार भर में पूरा एक मॉडल लागू हुआ उसको सजाने का। रामगढ़ के पतरातू से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ी पंचायत सचिवालय भवन के दरवाजे पर गाय के बछड़े के कटा हुआ सर बरामद हुआ है। सचिवालय में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े हैं। बछड़े के कटा सर मिलने के बाद पतरातू का माहौल गर्मा गया है, वहीं लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इधर सूचना पाकर मौके पर SDPO और थाना प्रभारी पहुंचे और जानकारी ली। पतरातू के जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में जांच की मांग की है। तभी तुरंत उनको जानकारी मिली कि कोई गाय का मांस कटा हुआ है, तो अभी आए तुरंत हम देखें तो ये तो बछड़ा जो बच्चा होता है तो उसका जो लगभग 1.5 सप्ताह से ज्यादा का डिकम्पोज है, एकदम सड़ा हुआ है और किसी कारण से यहाँ पर कटा हुआ है। और यहाँ बगल में देख रहे हैं कि मिट्टी उट्टी कोड़ा गया है, जो जानवर जैसे सुअर वगैरह जो मिट्टी कोड़ता है उस टाइप का दिख रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर ही इसको कैसे कोड़ा हुआ अंदर गड़ा हुआ को। आज सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे पंचायत भवन के पास बछड़े का सर कट के गिरा हुआ है, तो जानकारी प्राप्त होने के बाद यहाँ पर आए। यहाँ पर सभी मीडिया बंधु और अगले पंचायत के भी मुखिया जी और कुछ जनता यहाँ पर खड़े थे, उनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि यहाँ पर बछड़े का सर कट के गिरा हुआ है। मामला बहुत जघन्य है, कहीं ना कहीं ये सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। और कल जब संपूर्ण लॉकडाउन था उस रात्रि में ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है, उसको देखना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे भरोसा है कि यहाँ के आसपास के सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आके रह रहे हैं, उस पर प्रशासन को विशेष नज़र रखना चाहिए। और ज्येष्ठ महीने की 10वीं तिथि के मौके पर सैकड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुंगेर के सुप्रसिद्ध नारायणी तट के साथ विभिन्न अन्य घाट पर गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग गंगा में नहाने के बाद पूजा पाठ कर दान कर रहे हैं। लोगों की मान्यता है कि इस दिन गंगा मैया ने धरती पर अपना कदम रखा था और तब से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है।
वहीं भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी नितिशा गुड़िया ने बिहार झारखंड बॉर्डर मिर्जा चौकी एनएच 80 पर स्थित बैरियर का औचक निरीक्षण किया। वहीं बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि बिना माइनिंग चालान के गाड़ियों के पास होने की शिकायत पर यह निरीक्षण किया गया है। वहीं इस पर नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी लगाई गई है, बावजूद इसके कोई गाड़ी गुजरती है तो उसका चालान काटा जाएगा। पोस्ट है और शिकायतें मिलती रहती हैं कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जिनका प्रॉपर चलान नहीं है, जो गाड़ियाँ क्रॉस होने की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं, तो यहाँ हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाया है और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है। वो हम लोगों की भी इच्छा थी कि हम लोग खुद आकर के मेरे और एसएसपी मैडम के द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जाए और हम लोग और इसका स्ट्रेंथनिंग करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति नहीं है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति भी संख्या कम ही है पूरे जिले के लिए, दो ही हैं, लेकिन उसमें से एक को हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट बेसिस पर यहाँ पर प्रतिनियुक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीते चार दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिस कारण नदी किनारे ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलने से इन इलाके में कई लोग कच्चे मकान में रहने को विवश हैं और बारिश के कारण उनके आशियाने को भी काफी क्षति पहुंची है। गीली मिट्टी के कारण कई जगहों पर पेड़ों के गिरने की भी खबरें सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक किसी भी तरह के राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। पानी बरसा आदमी है और पेड़ गिर गया, दस पंद्रह साल से जो आया नहीं बन पा रहा। अच्छा, अच्छा तो पैसा अभी तक नहीं आया? पैसा आया नहीं, शौचालय में जैसे अभी आधी पानी आ गया, हम पेड़ के डर को मारा, हम आप भाग के चले आए, पेड़ गिर गया। और हरदोई जिले में लगातार हो रही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जिले को झांसी से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 91 बेतवा नदी की बाढ़ और बारिश की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे के कई जगह पर पानी के बहाव के कारण मिट्टी कटने से सड़कों में दरार आ गई। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या हर साल होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसके बचाव के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भाई साहब, ये हमीरपुर से कालपी जाने वाली सड़क है, ये हमीरपुर से दो तीन किलोमीटर निकलने के बाद कटी हुई और ये रोड ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी तरफ से गाड़ियां निकल रही हैं। और लगातार हो रही बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गोपालगंज का नजारा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जिले में गंडक नदी का पानी नए इलाकों में घुस रहा है। सदर अनुमंडल के कई प्रखंडों में गंडक ने तबाही मचा दी है। यहां सैकड़ों गांव में गंडक का पानी घुस गया है। लोगों को अपने घरों में जल कैदी बनकर रहना पड़ रहा है। ऐसे में लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 10 दिन से पानी में बने से राटे गिरा के ऊपर छत पर एक अलग से पानी माले बने से तो खाना कहाँ खाते हैं राटी कहाँ आप लोग? खाना सूखले पकल खा कर रहा था नहीं से ना होता किन के भेजा सोते आता वो खा कर रहा होता था आदमी क्या करे। तो हर कमरे में पानी भरा हुआ है, फिर कहाँ रहती हैं आप लोग? कहाँ पर हैं? वो ऊपर है कमरा पर तोप के छत पर रहता है टेंट लगा के। और इस बीच मनेर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मनेर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तो बालू माफियाओं पर प्रशासन का डंडा चला है। मनेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बालू माफियाओं के ऊपर प्रशासन का डंडा चला है। खनन विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया है। अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग की सूचना पर इस अभियान को चलाया गया है।
पोकलेन मशीन के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया है और मनेर के 84 घाट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मनेर से इस वक्त की बड़ी खबर और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब खान हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। शोएब, क्या है पूरा मामला? जी मैम, बता दें कि मंगलोर इलाके में लगातार अवैध बालू उत्खनन का कारोबार फैलते जा रहा है। आज से दो दिनों पूर्व मनेर के संगम घाट के नजदीक अवैध बालू लादकर ओवरलोड जारी नाव पलट गई थी, जिसमें एक दर्जन नाव मजदूर बच गए थे। उसके बाद खनन विभाग की निंद्रा टूटी, मतलब नींद टूटी। उसके बाद एक्शन में आते हुए खनन विभाग के अधिकारी और मनेर पुलिस के सहयोग से जाकर 84 बालू घाट पर और विभिन्न जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 3 पोकलेन मशीन जब्त किया और उसके साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जी न्याय जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।